हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। आज का टॉपिक होगा ऐसे पॉइंट पे, ऐसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, जनरल टर्म्स रिगार्डिंग एंजाइना के, जो आपको आगे के पॉइंट को समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग। तो इस एंटी एंजाइनल ड्रग का मतलब हुआ, एंटी एंजाइनल ड्रग कहने का मतलब हुआ ऐसे सारे ड्रग, ऐसे सारे मेडिसिन जो कि एंजाइना की प्रॉब्लम को, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, उनको रिजॉल्व करके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं, ऐसे ड्रग को हम कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसा ड्रग जो कि एंजाइना के अगेंस्ट में, यानी कि एंजाइना की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, यह कहलाता है एंटी एंजाइनल ड्रग। अब इस वर्ड को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको ये एंजाइना का मतलब नहीं मालूम होगा। ये तो समझ में आ गया कि ऐसे ड्रग जो एंजाइना के अगेंस्ट में काम कर रहे होंगे, एंजाइना को ठीक करने में यूजफुल होंगे, लेकिन एंजाइना है क्या? एंजाइना का पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। बेसिकली ये आपका इस्केमिक हार्ट डिजीज का एक कॉमन एग्जाम्पल है और ये एक मॉर्बिडिटी का भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से काफी सारे डेथ रिकॉर्ड किए गए हैं। ये एंजाइना मतलब होता है कि आपके लेफ्ट साइड के चेस्ट में, या यूं कहूं कि लेफ्ट साइड के हार्ट के पास आपको एक सीवियर सडन एक्सेसिव पेन का एहसास होगा और ऐसा लगेगा कि आपके हार्ट पे कोई प्रेस कर रहा है। इट्स कॉल्ड प्रेसिंग पेन आल्सो। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है एंजाइना। ये तो हो गया रफ लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू इट्स सिम्टम। अगर आप इसकी बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो इसका कॉज बहुत ही सिंपल है। अक्सर आपने कभी जब नीचे से ऊपर पहाड़ की चढ़ाई की होगी या काफी सारे सीढ़ियों की चढ़ाई की होगी, तो अचानक से आपको एक लेफ्ट साइड में पेन का एहसास होता है और ये काफी तेज भी हो सकता है अगर आप लंबे समय तक ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आप प्रेस करते हैं और आपका जो पेन है धीरे धीरे से गायब हो जाता है और वापस से आप चलना शुरू करते हैं। ये एंजाइना पेन नहीं है, लेकिन इस पेन को समझाने के लिए ये एग्जांपल आपकी मदद करेगा। आपने ये देखा कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपके सांस भरने लगता है, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाता। तो ये तो आपने एफर्ट लगाया, इसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रही है, और आपकी बॉडी जब ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करती है तो आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँच सके और उस ब्लड के साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज आपकी सेल्स को मिल सके ताकि आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा हार्ट, जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कराता है, इस हार्ट तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाते। अब ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट इस तरीके से समझ लीजिए, हमारा हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है ताकि बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंचे और उस ब्लड में डिजॉल्व सारे चीजें आपके टिश्यू तक मिले और टिश्यू अपना काम परफॉर्म कर सके। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कराता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, इस हार्ट को काम करने के लिए भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, ब्लड चाहिए, तो इस हार्ट को ब्लड कौन पहुंचाता है और ये किस तरीके से ब्लड वहां तक पहुंच पाते हैं? तो हार्ट को जो आपके आर्टरीज वेन ब्लड का सर्कुलेशन कराते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। ये कोरोनरी आर्टरी आपके सबसे प्योर ब्लड को, सबसे रिच इन ऑक्सीजन ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाते हैं ताकि हार्ट को वो एनर्जी मिल सके और वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा सके विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सो ये हो गया हमारे एक जनरल फिजियोलॉजिकल टर्म्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हार्ट की डिमांड के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन कोरोनरी आर्टरी के थ्रू उस हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि यहां पे यूं कह लीजिए कि हार्ट को लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डिमांड कभी भी बराबर नहीं हो पाती सप्लाई के, या यूं कहूं कि उसका उल्टा, सप्लाई कभी भी पूरी नहीं हो पाती एज पर डिमांड के, क्योंकि अभी आपके बॉडी में आपके हार्ट को ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया है। यही कहलाता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना। और इसी कंडीशन के कारण से जो पेन होता है, इसे हम कहते हैं एंजाइनल पेन। तो चलिए अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, वीडियोस की सीरीज पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर होते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जो कि आपके एंजाइना को प्रेसिपिटेट करते हैं, या एंजाइना जैसे अदर और कंडीशन को, जिसे हम इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए, इनको सामने लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक सर्वे के बारे में अगर हम बात करें तो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जिसको हम और नाम से भी जान सकते हैं या ये कॉज कर सकते हैं, ये कहलाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब यहां पे कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहला वर्ड है आपका एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज और दूसरा वर्ड है आपका कोरोनरी आर्टरी। चलिए पहले इन पॉइंट के बारे में बात कर लें, फिर आगे के मतलब को समझते हैं।
एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज कहने का मतलब है कि जब कभी भी हमारे ब्लड वेसल्स में कुछ फैटी सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएं या प्लैक जमा हो जाएं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं प्लैक या एथेरोमा। इस एथेरोमा या प्लैक के वेसल्स के में जमा होना या डिपॉजिट्स होने के जो प्रोसेस है, इन्हें हम कहते हैं एथरोस्क्लेरोटिक कंडीशन या एथरोस्क्लेरोसिस, और इस तरह की डिजीज कहलाते हैं एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज। इसको समझाने के लिए हमने डायग्राम यहां पे बनाया हुआ है। ये डायग्राम आपको यहाँ भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, और हम आपको बीच में इसका एक लाइव डेमो भी दिखाने वाले हैं। आज के वीडियो में कुछ नया होगा आपके लिए। तो ये देखिए, ये हमारा जनरल ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में कुछ इस तरह के प्लैक सब्सटेंस जमा हो गए हैं जो कि ब्लड के फ्लो को, या यूं कहूँ कि ब्लड के नॉर्मल अनइंटरप्टेड ब्लड के फ्लो को दिक्कत कॉज कर रहे हैं, इंटरप्शन कॉज कर रहे हैं। तो ये जो फैटी सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुआ है आपके ब्लड के ल्यूमेन में, ये कहलाता है एथेरोमा या प्लैक। इस एथेरोमा या प्लैक के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और इस तरह के डिजीज को जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम हो रहा है, ये कहलाता है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। अब आगे के वर्ड के बारे में बात करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे एक बार और समझेंगे। अगला जो पॉइंट कहता है यह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये किस तरह के आर्टरीज का डिजीज हुआ, यह है कोरोनरी आर्टरी का डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या है, जैसा अभी आपको हमने बताया, कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरीज है जो कि प्योर ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाती है, उसके बाद हार्ट उस ब्लड से न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को, अदर सब्सटेंस को एक्सेप्ट करके एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये हार्ट थ्रू आउट द बॉडी ब्लड पहुंचाते हैं पंपिंग के द्वारा। तो ऐसे वेसल्स जो कि हार्ट तक ब्लड पहुंचाएं, ये कहलाते हैं आपके कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज उस कोरोनरी आर्टरी का डिजीज है जो कि ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाता हो। अब आगे बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का नाम वही हो गया, जस्टिफाई हमने कर दिया, इसको एक नाम से और जाना जाता है जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है, आगे के साइड इफेक्ट में भी आप इस चीज को देख पाएंगे, यह है इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज का मतलब यह है कि जब हमारे हार्ट को एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हमारे बॉडी उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से जो कंडीशन जनरेट होते हैं उनको कम्युलेटिव रूप से हम इस्केमिक हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट यहाँ पे समझाने का कि ये जो हमारे एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज हैं, ये कुल मिलाकर के तीनों एक प्रकार से आपके मोर्टिलिटी के रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कार्डियक की प्रॉब्लम में डेथ कॉज होने की वजह से इनका भी एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अनवांटेड साइड के इफेक्ट के फॉर्म में। अगला हम बात करते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हो गई कोरोनरी आर्टरी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज के और कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जिनका कॉज कोरोनरी आर्टरी की वजह से हो सकता है। एग्जांपल है एंजाइना पेक्टोरिस, सिंपली इसको एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसके अंदर कुछ ऐसे सिंड्रोम होंगे, इट्स अ कम्युलेटिव वर्ड सिंड्रोम, इट्स मींस कम्युलेटिव मोर देन टू और मोर देन सब्सटेंस। तो इस तरह से कोरोनरी आर्टरी के कुछ और भी लेजन वगैरह वगैरह होंगे, कुछ और प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इनको सबको कम्युलेटिव रूप से हम कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका एरिथमिया। एरिथमिया के बारे में हमने पिछले के कई वीडियो में हल्का सा टच करते हुए आए हैं, तो एक बार सिंपली शॉर्ट में और समझते हैं कि ये एरिथमिया क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में पूरा टॉपिक अगले वीडियो में जरूर आ जाएगा। एरिथमिया कहने का मतलब होता है आपके हार्ट के रेट यानी कि रिदम में किसी तरह का अल्टरेशन हो जाना। अल्टरेशन वर्ड इसलिए क्योंकि ये तो बढ़ भी सकता है या तो ये घट भी सकता है, तो हम इसको इंक्रीज होना भी नहीं कह सकते, डिक्रीज होना भी नहीं कह सकते, इसको हम अच्छा सा वर्ड यूज कर सकते हैं अल्टरेशन। अगर इंक्रीज होगा तो इसे हम टैकीकार्डिया कहेंगे हार्ट रेट का, अगर डिक्रीज होगा तो इसे हम बैडीकार्डिया कहेंगे। लेकिन अगर आप दोनों को कम्युलेटिव रूप से एक टर्म में डिनोट करना चाहेंगे तो दिस इज कॉल्ड एरिथमिया, हार्ट रेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या आपके हार्ट रेट का बहुत ज्यादा कम हो जाना, इन दोनों को हम कह सकते हैं एरिथमिया। अगला कॉज करता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये जो आपके एक्यूट कंडीशन है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के, या यूं कहूं कि इस्केमिक हार्ट डिजीज के, तो उस पे ये है कि आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई कराना पड़ेगा सांस लेने के लिए, तो एक प्रकार से सांस ना ले पाने की जैसी कंडीशन, ये इसके अंदर के एग्जाम्पल में इंक्लूड किए गए हैं। अगला हम बात करते हैं आपके एंजाइना की, तो एंजाइना के इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखें एंजाइना के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स के बारे में, तो आप पाएंगे कि एंजाइना एक कैरेक्टरिस्टिक सडन और सीवियर, जिसको एक चेस्ट प्रेसिंग सिम्टम के रूप में भी जाना जा सकता है। इन सारे वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो कि अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर टाइप ऑफ कार्डियक डिजीज के साथ से।
पहला देखिए कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब ये होता है, अगर आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर थिंग की एक पर्टिकुलर पहचान, स्पेसिफिक पहचान, आइडेंटिटी, ये उससे जुड़ी हुई ही होगी, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। इस तरह का पेन जो कि आपको एंजाइना में ही मिलेगा, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक पेन का पैटर्न कहलाता है। दूसरा है सडन, दैट मीन्स कभी भी अचानक से हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। इसके साथ कैसा फीलिंग होगी, आपको ऐसा फीलिंग होगा कि जैसे चेस्ट प्रेस किया जा रहा हो, आपके चेस्ट पे कुछ चीजें रखी गई हो, हैवी मटेरियल रखा गया हो, इस तरह की फीलिंग्स इसमें आने लग जाती है। इसके बाद आप देखेंगे जो इन दो सिम्टम है ये आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, दे कैन फर्दर कन्वर्ट और रेडिएटिंग इनटू नेक, जॉ, बैक, आर्म। ये जो सिम्टम है वो आगे रेडिएट होंगे, आगे फैलेंगे और आपको कहां कहां पे दिखने लगेंगे, ये आपको नेक पे, आपके गर्दन में, आपके जॉ में और आपके जो आर्म्स हैं खास करके लेफ्ट साइड आर्म में, इनमें ये रेडिएट होंगे, इनमें ये फैलेंगे। तो अगर आप कभी भी नेट पे गूगल पे सर्च करते हैं एंजाइनल पेन, तो आपको एक बहुत सिंपल सा डायग्राम दिखेगा जहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन के इमेज में आपको लेफ्ट साइड के हिस्से को रेड कलर से डिनोट किया गया होगा। तो ये जो एंजाइना है या एंजाइना पेक्टोरिस है, इसका पेन कैरेक्टरिस्टिक है आपके लेफ्ट साइड के चेस्ट में ज्यादा आपको पेन होगा और ये आपके लेफ्ट साइड के आर्म को भी अफेक्ट करेंगे, पेनफुल कंडीशन को इनिशिएट करेंगे। तो आप कह सकते हैं एंजाइना इज अ लेफ्ट साइड हार्ट पेन, दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। अगला है इसके कॉज के बारे में, चलिए बात कर लेते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस के कॉज क्या क्या हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे मेन पॉइंट को, तो एंजाइना का जो कॉज है वो ये है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन कोरोनरी ब्लड फ्लो। जो कोरोनरी आर्टरीज आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है ताकि आपका हार्ट सफिशियंट एनर्जी एक्सेप्ट करे और ये हार्ट आगे जाकर के पंपिंग के एक्शन के थ्रू उस ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचा सके। यहां पे मेन पार्ट हो गया। अब हार्ट चूंकि बॉडी को सप्लाई करता है पूरा ब्लड, तो इस हार्ट को एनर्जी कहां से मिला, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये मिला उस कोरोनरी आर्टरीज से। तो अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी रीजन से, नॉन अनरोन रीजन से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की जो फ्लो हो रही है इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। या स्पाज्म ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, वैस्कुलर स्मूथ मसल में किस तरह का स्पाज्म कॉज हो जाए, एक एथन सिकुड़न कॉज हो जाए, जिसकी वजह से जो ब्लड है भले उस ब्लड में सफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन डिजॉल्व है लेकिन वो अगर स्पाज्म हो जाता है, कुछ इस तरह की स्पाज्म एथन सिकुड़न हो जाते हैं, तो वो जो ब्लड है वो प्रॉपर वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और वो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब हुआ कि उस ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होते हुए भी उस तक ना पहुंच पाना ड्यू टू स्पाज्म एक रीजन हो सकता है हमारे एंजाइना पेक्टोरिस का या एंजाइनल पेन का। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एक अगला पॉइंट है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल बाय एथेरोमा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्ले अटेंशन अबाउट दिस पॉइंट। ये जो आपके ब्लड वेसल्स हैं इनके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाना ड्यू टू एथेरोमा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बिहाइंड एंजाइना पेन, एंजाइना पेक्टोरिस और अदर टाइप ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। आइए समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये है हमारा एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स, अभी आप इसको रिसेंबल करना चाहेंगे तो हम इसको कोरोनरी आर्टरी के साथ भी रिसेंबल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल ब्लड वेसल है जिसमें अगर ये ब्लैक वाला पोर्शन नहीं होता तो हमारा ब्लड उस ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट बिना किसी इंटरप्शन के इजीली फ्लो हो रहे होते आपके फ्रॉम साइट ऑफ फ्लो टू द साइट ऑफ अवेलेबिलिटी तक आराम से हर एक टिश्यू तक पहुंच रहे होते। ड्यू टू सम एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फैट और वट एवर इट रीजन देयर इज द जनरेशन ऑफ एथेरोमा। इस पर्टिकुलर पार्ट में एथेरोमा यानी कि प्लैक का डिपोजिशन हो जाता है, या इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आप एक पाइप में नल को लगाए हुए हैं तो पाइप में ड्यू टू काफी लंबे समय तक यूज करने की वजह से एक काई जैसी चीजें जमने लग जाती हैं जो कि उस पानी के फ्लो को अफेक्ट करती हैं, रोकती हैं, रेजिस्ट करती हैं। वैसा ही इस हमारे ब्लड वेसल में ये जो प्लैक है इसको हम एथेरोमा कहते हैं, ये नॉर्मल ब्लड के फ्लो को इंटरप्ट करता है, उनको रोकता है और इसकी वजह से जो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है खास करके कोरोनरी आर्टरीज में, तो वो ब्लड आपके हार्ट तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाता जिसकी वजह से आपके हार्ट में पेन होना स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पाती। चलिए अब इस पॉइंट को समझाने के हम आपको एक थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन वीडियो दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आएगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, सो ये वीडियो आप देख लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है और ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज वगैरह हैं, तो इनके किसी भी एक पार्ट में एथेरोमा जमा हो जाए। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक वेसल्स ले रहे हैं, ये सिंपली रिसेंबल कीजिए कि ये एक ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि आपको येलो कलर में कुछ जमा हुआ दिखाई दे रहा है,
तो थोड़ी देर के लिए इसे हम मान लेते हैं कि ये प्लैक है। इसी प्लैक का दूसरा नाम होता है एथेरोमा, और किसी भी वेसल्स में इस प्लैक के जमा होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर यहाँ पे ये जो कोरोनरी आर्टरीज है इनके किसी पार्ट में ये एथेरोमा जमा हो जाए तो इससे ब्लड के नॉर्मल फ्लो में प्रॉब्लम होगी, और ये आगे जाकर के आपके ब्लड के फ्लो को डिक्रीज कर सकता है थ्रू द हार्ट। और अगर हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कम होगा तो डेफिनेटली इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे जो ब्लड फ्लो होंगे उनका वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है इनका भी वॉल्यूम कम होगा। और आगे जाकर के आप ये भी देखेंगे जब हम बात करेंगे कुछ अदर कंडीशन की, फैट की, डिपॉजिट की, तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे ब्लड के नॉर्मल फिजियोलॉजी के फ्लो को भी अल्टर करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मल ब्लड होता तो सीधे यहाँ से निकल जाता, लेकिन ये अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वेसल्स पे कुछ फैट जैसे सब्सटेंस जिसको हम एथेरोमा बोलते हैं ये जमा हो गए हैं, तो इनके कारण से हमारे ब्लड के प्रेशर में एलिवेशन होगा, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि ये जो एथेरोमा है यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लैक हमारे ब्लड के फ्लो को दिक्कत कॉज कर सकता है, और ये एक एंजाइना का मेन कॉज है जो कि आप यहाँ के पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड, हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है, चलिए वापस चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। थैंक यू। यह है हमारा हार्ट का एक सिंपल सा डमी, छोटा सा खिलौना जैसे ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा हार्ट है, और हार्ट के बाहर जितने भी आपको छोटे छोटे लाइनिंग दिख रही हैं ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है। इनमें ही ब्लड का फ्लो होता है ताकि ये ब्लड आपके हार्ट को न्यूट्रिएंट, एनर्जी, ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें, और अल्टीमेटली आपका हार्ट थ्रू आउट द बॉडी उस ब्लड को सप्लाई कर सके। इस हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में अगर किसी तरह के स्पाज्म हो जाते हैं, ऐठन हो जाती है, तो वहां पे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, या तो उस आर्टरीज में इस तरह के जो आप देख सकते हैं पीले कलर में जमा हुआ पार्टिकल्स, ये प्लैक कहलाता है, ये एथेरोमा कहलाता है। तो अगर इस तरह के आर्टरीज में ये एक सिंपल सा ल्यूमेन है जो आपको कुछ भी कुछ नहीं दिखेगा, अगर हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके वेसल्स के अंदर ल्यूमेन साइज में, इनर ल्यूमेन में आपको एक पीला पीला सब्सटेंस दिख रहा है। ये हम आपको समझाने के लिए दिखाना चाह रहे हैं, ये है एथेरोमा, ये है प्लैक, और ये जो बन चुका है दिस इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होगा उसमें दिक्कत जाएगी। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो प्लैक है अगर ये नहीं होता तो हमारा ब्लड वेसल्स, अगर इसको मैं ब्लड से रिसेंबल करूं तो ये इजीली फ्लो हो रहा होता, क्योंकि ये प्लैक जमा है इसलिए इसके फ्लो में रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है, ये प्रॉपर उतने इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है जितना पहले फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पे दो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एक तो हाइपरटेंशन बेसिस से जनरेट होगा क्योंकि यहां पे फ्लो में रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है, दूसरा यहां पे भले ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा इसका मतलब है कि ब्लड में डिसॉल्व ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम कम होगा जो कि वो आगे जाकर के हार्ट के टिश्यूज को सप्लाई कर रहा होता। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारे हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितनी इसकी जरूरत होती है, और इसी कारण से जो पेन जनरेट होता है जैसे सिंपली नोन एज एंजाइनल पेन। तो उसके पीछे दो रीजन में से एक हुआ ये हमारा प्लैक जमा हो जाना, और दूसरा स्पाज्म या ऐठन का हो जाना। तो चलिए आगे बढ़े सिम्टम्स की ओर। तो अगला है हमारा डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, एंजाइना बदल जाएगा। देखिए डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी जब काम करती है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं या कुछ ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी और खास करके हमारा हार्ट ऑक्सीजन की एक थोड़ी इंक्रीज मात्रा में डिमांड करता है। अगर ये डिमांड पूरा हो जाए तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, वहां पर कोई आपको पेन महसूस ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये हमने लाल कलर के इसको क्रॉस किया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, और सप्लाई नहीं होगी, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ एंजाइना पेन, एंड दिस इज सिंपली नोन एज अ एंजाइना पेक्टोरिस, और एंजाइनल पेन कहलाएगा ये। तो एक लाइन का ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इफ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट फुलफिल्ड बाय कोरोनरी आर्टरीज टू द हार्ट दैट मे कन्वर्ट इनटू अ एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस, और द सिम्टम इज नोन एज अ इस्केमिक हार्ट डिजीज, और द पेन which is you are feeling is simply known as anginal pain. So the basic reason behind angina pain is due to lack of oxygen supply through the coronary arteries. So that the, we have to feel the pain which is a characteristic sudden, excessive and a pressing like pain. This is symptoms of angina. आगे बढ़ते हैं हम। तो जो क्रोनिक एंजाइना है वो क्या करता है, कैसा इफेक्ट शो करता है, बेसिकली आप देखेंगे क्रोनिक एंजाइना जो कि लंबे समय तक चला आ रहा है, काफी लंबे समय तक उसकी जरूरत प्रॉब्लम हो वो फेस करना पड़ रहा है, तो ये कहता है डिटोरियरेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन। अगर लंबे समय तक चला तो जो कार्डियक के नॉर्मल फंक्शन है उनके फंक्शन में एबनॉर्मैलिटीज होगी, उनमें रुकावट आएगी, प्रॉब्लम कॉज होगी। कौन कौन से फंक्शन है,
वैसे तो काफी हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं आपके हार्ट फेलियर में, जिसके पहले के वीडियो में हमने हार्ट फेलियर के बारे में पूरा बात किया। दूसरा हो सकता है ये एरिथमिया कॉज कर सकते हैं, जैसे अभी आपको हमने समझाया यहाँ पे, और ये कॉज कर सकते हैं अल्टीमेटली डेथ, जो किसी को पसंद नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, और इसलिए हमने पहले लाइन में लिखा है दीज आर एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज आर द मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। तो ये अल्टीमेटली इसी के बारे में बात कर रहा है, अगर इनको प्रॉपर टाइम पे समय रहते ट्रीट नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग की। एंटी एंजाइनल ड्रग का काम करने का तरीका MOA, दैट मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे एंटी एंजाइनल ड्रग काम करते हैं। तो सिंपल है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि एंटी एंजाइनल ड्रग काम कैसे करते हैं। ये देखिए कि एंजाइना हुआ क्या, और जब आपको पता चल जाएगा कि ये आर दीज आर द कॉज ऑफ एंजाइना, आप उसको रोक करके, इनिबिट करके, ब्लॉक करके एंटी एंजाइनल इफेक्ट शो कर सकते हैं। एंजाइना के पीछे के मेन रीजन है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन उतना पूरा नहीं कर पा रहा है, तो या तो हम उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा सकें या तो ऑक्सीजन के डिमांड को कम कर सकें। जब डिमांड आप सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो डिमांड को कम कर दीजिए, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के डिमांड को कम करते हैं, दूसरा कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो स्पाज्म को ठीक करते हैं, जो उस कॉन्स्ट्रक्शन वाले पार्ट को है वो रिलैक्स करते हैं, डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और कुछ ऐसे तरीके हैं जो उस प्लैक को भी डिसॉल्व करते हैं, या तो वो आपके मेडिसिन के थ्रू होंगे, या तो आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके होंगे, या तो बायपास सर्जरी करके होंगे। उस प्लैक को अगर हटा दिया जाए तो उससे जो ब्लड का वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो जाएगा, और उस ब्लड में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट मात्रा में आपके हार्ट तक पहुंचेगी। ये उनके काम करने के एक पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। चलिए हम टैली कर लें कि क्या हमने जो अंदाजा लगाया है वो सही है कि नहीं है। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पहला कह रहा है लोअर ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट बाय अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। आपके हार्ट के ऑक्सीजन डिमांड को हम कम कर दें बाय अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करके, ब्लड प्रेशर को भी हम कम मैनेज कर सकते हैं। वेनस रिटर्न को हम कम कर दें, अगर जो यहाँ पे ब्लड में फ्लो हो रहे हैं वो रिटर्न हो रहे हैं ड्यू टू सम नो रीजन, इनको अगर इनिबिट कर दें तो भी हम उसको कम कर सकते हैं। हार्ट रेट को अगर हम कम कर दें तो भी आपके एंजाइना पेन को हम कम कर सकते हैं, या अगर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दें तो भी आपके एंजाइनल पेन को कम कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो यही कह रहा है, सारे के सारे पॉइंट में देखिएगा कॉमन निकालेंगे तो जो एक्सेसिव वर्कलोड है आपके हार्ट का, ये अगर हम हार्ट के वर्कलोड को कम कर दें तो ऑक्सीजन की डिमांड भी जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो डिमांड को कम कर दें। इन डिमांड को कम करने का ये तरीका है कि आपके हार्ट रेट को, आपके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, इनके विनस रिटर्न को कम कर दिया जाए। तो इस तरह से हम जो एंटी एंजाइनल ड्रग आगे के आने वाले पार्ट्स में देखेंगे, इनको यूज करते हुए एंजाइना के पेन को हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें तो मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन दो है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, दूसरा स्पाज्म हो गया है, तीसरा स्पाज्म के पीछे साथ-साथ एथेरोमा जमा हो गया है। तो अगर हम फैटी सब्सटेंस को कम यूटिलाइज करें अपने बॉडी में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कमी कर दें, एचडीएल को बढ़ा दें, या वर्कआउट करना शुरू कर दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीफी वेजिटेबल पे डिपेंड रहें, एक्सेसिव जो कैफेटेरिया डाइट है इनको यूज ना करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें, तो ये आगे जाकर के आपकी प्रॉब्लम को बढ़ने देंगे ही नहीं, तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फ्रेंड, जस्ट फॉर एडिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, इफ यू लाइक टू लिसन दिस, अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, कि हमने अपने एम फार्म के प्रोजेक्ट में इसके ऊपर एक काम किया था, जिसके ऊपर हम ये फैट के डिपोजिशन के बारे में स्टडी करना चाह रहे थे, लिपिडेमिक एक्टिविटी चेक करना था। उस लिपिडिक एक्टिविटी को यूज करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज किए, और हमने एक चीज बड़ी ध्यान से देखी, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था प्रैक्टिकल का आपके प्रोजेक्ट का, वो ये था कि अगर हम फैटी डाइट यूज कर रहे हैं, किसी एनिमल को खिला रहे हैं, और दूसरे ग्रुप को अगर हम फैटी डाइट के साथ साथ स्मोकिंग भी करा रहे हैं, तो ये स्मोकिंग का जो रेट है या स्मोकिंग का जो रीजन है वो उसके एथेरोमा के बनने को, एथेरोस्क्लेरोसिस के बनने को एक्टिविटी को ट्रिगर कर रहा है, काफी इंप्रूव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, इससे जो डिस्कस निकलता है समरी ये, कि स्मोकिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एथेरोमा, बट स्मोकिंग स्टिमुलेट या इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा मेनी टाइम्स। सो अलोन इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट अलॉन्ग विथ फैटी डाइट्स इट इज रिवेट्स रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम इसको कम करते हैं, इस तरह के लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली हम एथेरोमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आगे आपकी वीडियो में देखेंगे तो हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में, कि किस तरह के टाइप्स होते हैं एंजाइना के,
फिर हम उनके एक एंटी एनल ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ हुआ कि बेसिक पॉइंट आप समझ सकें, ताकि आपको आगे आने वाले समय में क्लासिफिकेशन क्यों इंक्लूड किए गए हैं, मैकेनिज्म क्या है, बहुत ईजी से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। अगर कुछ कमी है या कुछ इंप्रूवमेंट है, डेफिनेटली आप हमें अपना समझ के बताएं, हम उसको पॉसिबल हुआ तो जरूर ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।